कई सीखो और कमाओ, यहाँ उद्योग आ रहे हैं, उनसे भी हमारा एमओयू हो रहा है कि हमारे उज्जैन में आने वाले उद्योगों में उज्जैन के बच्चों को काम सिखाओ, सीखो और कमाओ योजना। बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखेंगे, और काम सीखने के दौरान उनको मामा 8000 रुपया महीना देगा, 8000 रुपया महीना। और जब काम सीख जाएंगे तो वही नौकरी लग जाएगी। भाई कारखाने वाले को तो जिनके हाथ में काम हो वही लोग चाहिए ना, और इसलिए सीखो कमाओ योजना लागू की। सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्ती हमने करने के लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया, अगले साल फिर 1 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी ताकि उनमें भी रोजगार मिलता रहे। और आज जो हमारा एमएसएमई विभाग ने जो प्रयास किया है कि हम लोन देके बच्चों के काम धंधे शुरू करवाएं, मैं चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों तुम्हें से कहीं ऐसे निकले जो रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बन जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देगा बच्चों को, लेकिन बैंक मांगता गारंटी, गारंटी लाओ, गारंटी लाओ। अब गारंटी लायक होते तो तुम्हारे पास काय को आते, तो हमने तय किया है गारंटी बच्चों के मम्मी पापा नहीं देंगे। कौन देगा? अरे जोर से बताओ, कौन देगा? मामा देगा। सरकार से गारंटी दिलाएंगे, वो कहां से गारंटी लेके आएंगे? तो ऐसे हमारे बच्चे छोटे छोटे कारखाने लगाए, छोटे बड़े काम शुरू करें। अरे धीरू भाई अंबानी भी तो 500 रुपये लेके आए थे मुंबई, अब कहां से कहां पहुंच गए। तो बच्चे मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए हमारे महीने मनाते हैं रोजगार दिवस। आज भी केवल उज्जैन में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस मना, कई जगह लोग बैठे हैं, और आज हम लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार के लिए लोन उज्जैन से दिलवा रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि उनका काम धंधा फिर शुरू हो जाए,